जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पेशावर गेम्स 2023। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज फिनाले है गवर्नमेंट स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल का। आप लोग के पास 10 मिनट से, आप जल्दी जल्दी किट चेंज करके ग्राउंड में आ जाए, आप लोग का मैच है अभी, ठीक है। जैसे कि दोस्त आपको नजर आ रहा है इस वक्त प्राइवेट स्कूल जो है काफी एग्रेशन दिखा रहे हैं और एज यूजुअल गवर्नमेंट स्कूल अपना अनप्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाते हुए अभी तक ग्राउंड भी नहीं पहुंचे। रूल्स के मुताबिक अगर अगले 5 मिनट में वो लोग ग्राउंड नहीं पहुंचे तो गेम प्राइवेट स्कूल जीत जाएगा। और देखिए चांद जमीन पर उतर आया, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इस वक्त ग्राउंड पहुंच चुके हैं लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी किट नहीं पहनी। यो लुक एट देम ब्रो, यार ये आप लोगों ने इतनी देर क्यों लगाई? हम तो भूल गए थे कि आज हमारा फाइनल है। वो तो कोच साहब का अल्लाह भला करे, उन्होंने जगाया है हमें। ओ गॉड, जिस टीम को ये तक पता नहीं कि आज उनका फाइनल है वो टीम फाइनल तक पहुंची तो कैसे पहुंची? जी ये तो मैच देखकर पता चलेगा। चले जल्दी से किट चेंज करके ग्राउंड में आ जाए, मैच शुरू होने वाला है। चलो किट चेंज कर लो। लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ये भूल गए हैं कि आज कबड्डी का नहीं बल्कि फुटसल का फिनाले है। हम तैयार हैं। आप लोग किट नहीं लाए? ये हमारा किट है ना, हमने सारे मैचेस इसी में खेले हैं। अगर आप लोग किट नहीं पहनोगे तो हम इनको बिना मैच खेले मैच जितवा देंगे, वह कवर हो जाएगा आपका। ऐसे कैसे दे दोगे? हमसे चड्डी में गेम नहीं होता, ये तो मम्मी डैडी लोगों का काम है, हम तो स्कूल में भी इसी में खेलते हैं। लगता है कि मैच में इस वक्त ट्विस्ट आ रहा है, उनके किट की वजह से शायद ये मैच रुक जाए। मैच तब होगा जब मुखालिफ टीम को कोई इतराज नहीं होगा। हमें कोई इतराज नहीं है, हम मैच खेलेंगे। वैसे ही हमारी टीम तो पूरे टूर्नामेंट में अनबीटेबल नहीं रही। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। चलो आप अपने प्लान 6 को भेज दो ग्राउंड में। और किस्मत ने दोबारा साथ दिया, मुखालिफ टीम को कोई एतराज नहीं उनके इस गेटअप से। मुझे आज की गेम वन साइडेड लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट स्कूल 10 और गवर्नमेंट स्कूल 0 के गोल के हिसाब से ये मैच होगा। शक्कू बक्कू वल्ला च खदे दो ककू। कबड्डी 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 या अल्लाह। काशिफ शानदार गोल प्राइवेट स्कूल वालों की तरफ से, पहला शानदार गोल। देखा आपने कैसे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को पूरे ग्राउंड में नचा दिया। वेल डन प्राइवेट स्कूल। ये तुम क्या कर रहे हो? गोलकीपर हो के गोल के बाहर कॉल पे लगे हो? अम्मी की कॉल थी, इंपॉर्टेंट कॉल थी, अंडे मंगा रही थी कि वापसी में असम चाचा की दुकान से करस अंडे ले आना, तो इसमें मैं क्या करता। ये मोबाइल रख लो, मैच पे फोकस करो। और ये रहा दूसरा गोल काशिफ, दूसरा गोल। मैंने आपको बताया था कि 10-0 का मुकाबला होगा लेकिन यहां तो लगता है कि 100-0 का ही मुकाबला होगा। ये तो बहुत खतरनाक निकले। तुम सबने एक बंदे को पकड़ना है, हर बंदे ने यही कोशिश करना है कि उसने एक बंदे को टारगेट करना है और उसको पकड़ना है, उसी के पीछे रहना है, छोड़ना नहीं है। हम तो इनको मम्मी डैडी समझ रहे थे, ये तो डैडी निकले। कासिम के अब्बा कहते हैं यू ओनली लूज व्हेन यू गिव अप। आखिरी सीटी तक हमने लड़ना है। गलती हो गई, बाल वापस दो। मैं समझा मेरा खिलाड़ी है, बाल दो वापस। ब्रो छोड़ दो, मैं पापा को कंप्लेंट कर दूंगा तुम्हारी। चाचा खालम नाना दादा को भी कंप्लेंट करो, आज मैं नहीं छोड़ने वाला। इसको क्यों पकड़ा था? तुमने ही तो कहा था हर एक बंदे को पकड़ना है। अरे बेवकूफ, पकड़ना है यानी पीछे रहना है कि वो हिले नहीं, हग नहीं करना। मुझे लगा था हर बंदे को गले लगाना है। गोल बचाना। तो लगता है कि हमें खाली गोल काउंट करने के लिए बुलाया गया है। ये रहा तीसरा गोल। ला हौला वला कुव्वता।
ये तो गोला था गोला। पास 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 आसिम पास वापस उबेर उबेर चिराका बच्चा। दोस्त दोस्त इनसे कबड्डी करवानी चाहिए, फुटसल इनके बस का काम नहीं। कासिम के अब्बा ने ठीक कहा था। अपने ऊपर क्यों गोल किया? अपने पे कब किया, उन पे गोल किया? ये हमारा गोल है। हमारा गोल किस तरह है यार, सब लोग इधर ही गोल कर रहे हैं, इधर ही गोल करना है ना। समझाओ इसे, समझाओ क्या हुआ है? ये हमारा है, उनको उजाड़ा है। तो पहले बताओ ना इस तरह के उधर गोल करना है। फर्स्ट हाफ फिनिश। जी तो काशिप, फर्स्ट हाफ खत्म हुआ। गवर्नमेंट स्कूल ने अपने जीरो की इज्जत की बका रख ली। अपने जीरो को बचाते हुए सेकंड हाफ की तरफ रवा दवा। 20 मिनट हमारे पास, अभी तक हम हारे नहीं हैं। अगर हर 5 मिनट हम एक गोल करते हैं तो 20 मिनट में हम 4 गोल कर सकते हैं और ये मैच ड्रा कर सकते हैं। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन तो सही की है लेकिन गोल कौन मारेगा? यू ओनली लूज व्हेन यू गिव अप। ओह माय गॉड, गवर्नमेंट स्कूल का पहला गोल, पहला गोल। मुझे I'm really shocked. Naughty guy. Let's go to the main to you. That was really wonderful. Kashif, अपने जीरो की इज्जत इन्होंने बचा ली। पहला गोल, लगता है कि ये इनकी जिंदगी का पहला और आखिरी गोल था। Unbelievable. Ubed! Oh my God! What a comeback! What a comeback! ये गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से दूसरा गोल, दूसरा शानदार गोल। You know, एकदम हालात, जज्बात, सब कुछ बदल के रख दिया इन्होंने। ये कौन सा गोल मारा है? यार मुझे खुद ही नहीं पता, मेरा पांव स्लिप हो गया और पता नहीं बाल कहां से आ गया और गोल हो गया है। चलो गोल तो हो गया ना। ओह यार। आखिरी 10 मिनट और गवर्नमेंट स्कूल सिर्फ 2 गोल पीछे। और लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल को मिल गई एक पेनल्टी। ये एक पेनल्टी पूरे गेम का रुख बदल सकती है। अब देखते हैं क्या ये पेनल्टी गवर्नमेंट स्कूल की किस्मत लिख सकती है या फैसला प्राइवेट स्कूल के हक में होता है। पेनल्टी मैं मारता हूँ, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। इस गेम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भरोसा। अगर तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है ना तो तुम कर सकते हो, तुम ही मारो पेनल्टी। चलो 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 चलो। Oh my God, आखिरी 5 मिनट और गवर्नमेंट स्कूल सिर्फ 1 गोल पीछे। इनके गेम ने ये साबित किया कि ये लोग फिनाले तक कैसे पहुंचे हैं। I'm just simply amazed and shocked. काशिप, टाइम ज़ाया करना ही इस वक्त की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है और प्राइवेट स्कूल ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। मंसूर भाई सिर्फ 1 मिनट बाकी। 1 मिनट और 1 गोल।
काशिफ भाई मैच ड्रॉ हो गया। मैं तो अब अपनी टीम बदल रहा हूँ। जहाँ मुझे लग रहा था कि गवर्नमेंट टीम 10-0 का मुकाबला करेगी, वही व्हाट अ कमबैक इट वाज। लेट्स सी, अब देखते हैं कि पेनल्टी किक्स में कौन किस पर भारी उतरता है। और ये पहली पेनल्टी किक प्राइवेट स्कूल को दी जा रही है और ये गोल। कम ऑन शाबा मुइज, यू कैन डू इट, शाबाश। अब गवर्नमेंट स्कूल की बारी है, देखते हैं कि क्या होता है। गवर्नमेंट स्कूल पेनल्टी किक लेने आई। हर बार ये नहीं होता। और ये शानदार गोल। और ये गोल। धमाकेदार। तीसरा गोल। वंडरफुल। और ये प्राइवेट स्कूल की आखिरी पेनल्टी किक, देखते हैं क्या होता है। गवर्नमेंट स्कूल इसे रोक पाती है या प्राइवेट स्कूल ये पेनल्टी किक कर पाती है। और ये जबरदस्त स्टॉप किया इन्होंने। इनकॉरिबल, तुम क्या समझ रहे थे मुझ पर गोल कर दोगे? इम्पॉसिबल। वंडरफुल, वंडरफुल कीपिंग बाय गवर्नमेंट स्कूल। Oh my God, सबकी नजरें आखिरी पेनल्टी किक पर। अगर ये पेनल्टी किक गवर्नमेंट स्कूल के हक में फैसला दे देती है तो पेशावर फिनाले 2023 गवर्नमेंट स्कूल्स जीत जाएंगे। पूरे मैच का रुख ही बदल जाएगा। सबकी नजरें इस आखिरी पेनल्टी किक पर। कासिम केम्पा कहते हैं, यू ओनली लूज व्हेन यू गिव अप। आखिरी सीटी तक हमने लड़ना है। पेनल्टी मैं मारता हूं, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। इस गेम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भरोसा। अगर तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है ना, तो तुम कर सकते हो। आखिरी सीटी तक हमने लड़ना है। यू ओनली लूज व्हेन यू गिव अप, व्हेन यू गिव अप। और 2023 पेशावर फुटसल फिनाले के विनर्स हैं द गवर्नमेंट स्कूल। व्हाट अ मैच काशिफ, इट वाज व्हाट अ मैच। यू नो, मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी हार्ट बीट ही रुक जाएगी। प्लीज रिमेंबर वन, यू ओनली लूज व्हेन यू गिव अप। रिमेंबर दिस, remember this over and over again, you only lose when you give up. If you do not give up, you will win from the most incredible position.